हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी मैं आपके साथ क्रिसमस केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे प्लम केक के नाम से भी जाना जाता है। और ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन करके तैयार होती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑरेंज जूस लिया है, 2 चम्मच किशमिश लिया है, 2 चम्मच ब्लैक किशमिश लिया है और यहाँ पर मैंने आधा कप मिक्स टूटी फ्रूटी लिया है, 2 चम्मच काजू को काट करके लिया है और 2 चम्मच बादाम और 10 से 12 चेरी को मैंने काट करके लिया है। तो सबसे पहले हम इन सभी ड्राई फ्रूट को साइड में रखेंगे और एक बर्तन ले लेंगे और अब इसमें हम ये ऑरेंज जूस को डाल देंगे और अब इसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन करके तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे नट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही इसमें ना तो हम अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं। कढ़ाई पर बहुत ही आसान तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने सारे ही नट को ऑरेंज जूस में अच्छे से डिप कर लिया है। तो अब इसे हम ढक देंगे और इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम इसे 2 घंटे के लिए इस तरीके से ऑरेंज जूस में भिगो करके जरूर रखें, उसके बाद ही आप इसका केक बनाने में यूज कर सकते हैं। और अब हम दूसरे दिन केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैरेमल सिरप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है, पैन में हमें आधा कप चीनी डालना है और चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और ये देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी है। तो अब इसे हम चला लेंगे और फिर इसे हमें अच्छे से पूरी तरीके से पिघलने तक इसे पका लेंगे। तो थोड़ी ही देर में सारी चीनी मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और ये देखिए, चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और इसे हमें जलाना नहीं है। बस इस तरीके से जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, फिर हम गैस को बंद करेंगे। फिर इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आपको लगेगा कि इसमें गाँठे पड़ रही हैं और ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे और जैसे जैसे इसे हम चलाएंगे, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा काढ़ी भी हो जाएगी। तो इसे हमें थोड़ा सा पका लेना है और इस तरीके से ये हमारा कैरेमल सिरप बन करके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और चलिए, अब हम केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में 1/4 कप तेल डालेंगे और तेल हमें ऐसा लेना है जिसका कोई फ्लेवर ना हो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1/4 कप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी कप से 1/4 कप मैंने दूध लिया है। दूध और ऑयल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग इसे हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से फैट लेना है, जिससे कि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम एक छन्नी ले लेंगे और इसमें हम मैदे को छान करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे की जगह आप गेहूं के आटे से भी ये केक बना करके तैयार कर सकते हैं, जिससे ये केक और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। और केक बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केक को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ग्राम में ये 20 ग्राम मिल्क पाउडर है। इसे हम छान करके डाल देंगे और अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने छोटा सा जायफल को पीस करके लिया है और 2 लौंग को मैंने पीस लिया है। इन्हें भी हम छान करके डाल देते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा और ये सभी चीज़ें ये केक में ज़रूर डाली जाती है। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। और इसी के साथ इसमें आप सोल्ट का भी पाउडर डाल सकते हैं। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम जो कैरेमल सिरप बना कर रखे हैं इसे डाल देंगे। और ये पूरी तरीके से ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी हो गई है। तो इसे हम अच्छे से डाल देंगे, ये देखिए। और इसी के साथ अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, जिसे हमने
ऑरेंज जूस में भिगो करके रखा था। तो ये देख सकते हैं कि सारे नट बहुत ही अच्छे से फूल गई है। और इसे डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो केक है इसमें हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को बाद में डालना है, क्योंकि इसमें ढेर सारे नट है और सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होता है। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अगर हम पहले ही डाल देंगे तो हमारा जो केक है वो अच्छे से नहीं फूलेगा। इसीलिए इस केक में हमें सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें डालना है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर हमारा केक अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो धीरे धीरे करके हमें ज़रूरत के अनुसार ही इसमें दूध डालना है। और ये देखिए, इस तरीके से ये केक के लिए बैटर बन करके तैयार है। तो अब इसमें हम एक छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छा फ्लेवर पहले ही डाल चुका है। तो ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें और आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, और इन्हें भी हम अच्छे से छान करके डालेंगे। और इसे एक्टिवेट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसे फिर हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना होता है, इसे हमें बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो फिर हमारा केक जो है अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसे फटाफट से केक बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक टिन पहले ही तैयार कर लिया है, थोड़ा सा तेल लगाकर चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाल करके इसे अच्छे से डस्ट कर लिया है। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप केक टिन के ऊपर बटर पेपर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने केक टिन में सारा बैटर डाल दिया है और अब इसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा टैप कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर के जितने भी एयर बबल हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो चलिए अब इसे हम बेक कर लेते हैं। और केक बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से प्री हीट कर लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसमें हम केक का बैटर डालेंगे और फिर इसे हम अच्छे से ढक करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और 15 से 20 मिनट बाद इसे हम एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए, केक फूलना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़े से काजू बादाम टूटी फ्रूटी और चेरी से डेकोरेट कर लेंगे, जिससे कि यह दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और इसे डालने के बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेना है, जिससे कि पूरी तरीके से पक जाएगी। और 10 से 15 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। तो इसे हम चाकू या फिर टूथपिक की सहायता से इस तरीके से चेक करेंगे। अगर हमारा चाकू क्लीन निकलेगा तो हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है, और क्लीन ना निकले तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। तो इसे हम ढक देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और 5 मिनट बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो चाकू है वो अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, यानी कि ये केक बेक हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल करके इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, केक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम केक टिन से निकालेंगे। तो इसे हम चाकू से इस तरीके से हल्का हल्का छुड़ा लेते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और अब इसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे और इसे पलट लेंगे और इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से केक टिन से निकल जाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा केक टिन से निकल गया है और बहुत ही बढ़िया हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसान तरीके से घर पर ये क्रिसमस केक बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की और भी नई नई रेसिपीज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।